नमस्कार, हेलो अदब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और हम खेल रहे हैं डीसी वर्सेस पीबीकेएस, दिल्ली वर्सेस पंजाब का आईपीएल का मैच नंबर 2, आईपीएल 2024 का, जहां पे टॉस जीत लिया है अपने अपोनेंट ने, मतलब कि पंजाब ने। मैंने सचिन सागर के जितने जर्सी खेले हैं, 4 जर्सी मैंने अभी तक देख लिया, खेल चुका हूँ मैं उनके साथ। सबसे बेस्ट जर्सी अगर किसी का रहा है तो वो है पंजाब का। लेट्स सी, जर्सी अच्छा करने से आप मैच नहीं जीत जाते। अब मैच कौन जीतता है वो कुछ देर में पता लगेगा। एंड भाई, आप लोग किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो, साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है ना, एक लाइक बटन होगा, लाइक बटन को दबा दो, क्योंकि मुझे जो रिस्पॉन्स चाहिए था या जिस रिस्पॉन्स की मैं उम्मीद कर रहा था वो नहीं मिल रहा है। तो मुझे डाउट हो रहा है कि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँ या नहीं, ये थोड़ा सा मेरे को डाउट हो रहा है। तो प्लीज़, जो भी लोग देख रहे हैं ना, जो भी लोग देख रहे हैं, देखना चाहते हैं, एटलीस्ट लाइक बटन कर देना, ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई, रिस्पॉन्स है इस वीडियो पे, प्रेडिक्शन वीडियोस पे। तो एटलीस्ट इतना सपोर्ट कर देना कि लाइक कर देना भाई, ठीक है। पहली गेंद का सामना करेंगे, फॉर्मेट तो मेरा वही है जैसा हर बार होता है। मैंने एक मैच इस गेम में पूरा खेला था तो मुझे मालूम है कि AI कोई रहम नहीं दिखाता है। पहली गेंद और वापस, क्योंकि मैंने गलत जगह पे बटन दबा दी थी। डॉट से शुरुआत हुई है, इस पे 3 से हमारे हाथों में आ रही है बाजी गेम की। 190 मे बी 180 आई थिंक, क्योंकि मैंने AI को बहुत अग्रेसिव खेलते हुए देखा है इस गेम में, और मैं कोई प्रो प्लेयर हूँ नहीं भाई, ये भी एक कड़वी सच्चाई है। तो रनिंग की बटन एक तो अलग दुनिया में है भाई इनकी, नीचे की तरफ आ जाती है थोड़ी, जहाँ तक मैंने गेम खेले उसके कंपेरिजन में। सिंगल से शुरुआत, ये पहला रन, मन में 2 डाउट चल रहे हैं, लॉफ्टेड खेला जाए तो कब से, अगर लगा तो ठीक, नहीं लगा तो फिर क्या होगा। अपील हो सकती है और बहुत मिस्टेक होती हुई मेरे से, बहुत लेट रिस्पॉन्स आ रहा है मेरा बटन के हिसाब से। इस बार तो बच गए, दूर दे तो मैं लॉफ्टेड का सोचूं भी, सारी गेंदें स्टंप के अंदर डाल रहे हैं, तो थोड़ा मैं भी रुक जा रहा हूँ खेलने से। सिंगल्स ही आ रहे हैं, ओवर थ्रोज होते नहीं है तो और कोई उम्मीद होगी नहीं यहाँ पे। आखिरी गेंद पे भाई लॉफ्टेड खेलने वाले थे, कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, ये खेला लॉफ्टेड शॉट, भला है कि बहुत पहले गिर रहा है, डबल निकालने का मूड है, चल ही नहीं रही, रनिंग ही नहीं चली। अरे अब क्या चल रही है भाई, स्क्रीन के सामने, आज तो फुल स्क्रीन दिख रही है ना आपको भाई, आज तो कोई बहाना है नहीं गेम का। अननेसेसरी का विकेट गिरवाता हुआ, ऊपर से बोल रहा है गिव अप कर, रिट्राई कर लो भाई, ऐसे ऐसे चलता है क्या, ऐसे प्रेडिक्शन होते हैं क्या, विकेट ऐसे नहीं जाना था यार। बाकी सब तो ठीक है, पॉवेल आउट हुए, बड़ा विकेट यहाँ पर गंवाते हुए हम लोग। नए खिलाड़ी ललित यादव नॉन स्ट्राइकर एंड पे, और इस बीच मिच मार्श बीट होते हुए 71 पे खेल रहे हैं, सेंचुरी का चांस है मोस्टली। मैं पहले से, अब ये स्टंप पे मत करवा देना, काफ़ी वक्त लेके खेला है, गैप में खेला है, अब ये टाइमिंग तो 6 वाला नहीं है, यही रीज़न है कि 1 बाउंस 4 मिलेगा, काफ़ी अच्छा खासा दूर है अभी भी हम लोग परफेक्ट मीटर से। और यहाँ पर थोड़ी सी हलचल दिखती हुई पंजाब के फील्डिंग सेटअप में, स्क्वायर लेग दे दे मारने का मौका, इंतजार करके, खूब इंतजार करके खेलियो, गुड शॉट, एटलीस्ट गुड शॉट तो है। एंड यही रीज़न है कि यहाँ पर एक और चौका लगता हुआ, और धीरे 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 हम लोग 80 का वो माइलस्टोन पार करने वाले हैं। 38 बीट करते आ गया ना तो भाई 100 बन सकते हैं इजी, और वो मैंने अभी थोड़ा बहुत समझ में आया कि 38 के ऊपर से तो खेल ही जाता है, बट बहुत मिस्टेक मत करना खेलने में। पिछले मैच में अपने आप पे बहुत कंट्रोल रखा था, ये भी बेहतर शॉट है, और साथ ही साथ इस गेम का अब थोड़ा बहुत मुझे आइडिया मिलता हुआ किस तरह से लॉफ्टेड काम करता है। पहले लग रहा था दिल्ली के चांसेस है नहीं, अब लग रहा है कि भैया अब रन बनेंगे अच्छे। अभी तक सारे शॉट जो थे ये गड़बड़ कर दी, बट बच गए गैप में होने के कारण डबल। अब इतना प्रेस कर रहा हूँ और कितना तेज करूँ यार, हाँ इस बार चल गया डबल आते हुए, इस बार बच गए। 38 में कोई नहीं था, नहीं तो आउट थे। गेंदबाजी बहुत विचित्र है, लियाम लिविंगस्टोन को लेकर आया गया है, पहली शायद पहली ओवर ही होगी, हाँ पहली ओवर पहली गेंद है इनकी। सामने ललित यादव, उनका भी फर्स्ट है, ठीक है, मैं लॉफ्टेड ले रहा हूँ क्योंकि कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़िया बिल्डअप हुआ है पिछली। और एक चीज़ जो सीखी है वो है लेट खेलो, खूब लेट खेलो, ये RC24 नहीं है, इवन WCC3 में भी इतना लेट नहीं होता शॉट जितना इस गेम में है, सबसे लेट खेला जाता है शॉट। थोड़ा सा फाइन खेलने का टाइम आया, आएगी बैट पे आएगी, बहुत लेट, कोई फील्डर दूर दूर तक नहीं है उस लाइन में, और जब इतना बड़ा गैप मिलता है तो आपकी अच्छी गेंद भी कुछ हेल्प नहीं कर पाती। 4 रन एक और, मिच मार्श हैं इनके साथ, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं बिना मतलब का भाई, बेहतर खेलो तो ज़्यादा अच्छा। 4 रन, अभी पिछली गेंद पे थोड़ा सा डांट रहा था मैं अपने आप को, एंड फाइनली मिल गई ये बाउंड्री, दिस इज द बेस्ट बॉल मेरे हिसाब से, वो स्ट्रेट, ओ स्ट्रेट खेलता है वो सेंटर में, और 6 रन यहाँ पर, स्कोर अभी भी सेंचुरी से थोड़ा सा बाकी है,
और रिप्ले तो जबरदस्त, मतलब सेंटर शॉट पे हेलीकॉप्टर नहीं है, हेलीकॉप्टर कहीं और है, ढूंढना पड़ेगा भाई। आप लोग खेलते हो तो बता देना कहाँ पे हेलीकॉप्टर। अजीत यादव के साथ बेझिझक होके लॉप्टेड खेलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे विकेट गिरेगा। ये क्या किया है, ये क्या किया भाई, एक सेकंड के लिए मुझे समझ ही नहीं आया, दो बार मुझे लगा कि भाई आउट है कि नॉट आउट है, आउट है कि नॉट आउट है। इन द एंड कैरी किया, ये तो भाई अभी तक का सबसे सरप्राइजिंग, सबसे यूनिक एनिमेशंस आया है, मैंने को नहीं पता था ऐसा कुछ है इसके अंदर। ललित यादव आउट हुए भाई, ऐसे आउट हुए कि याद रहेगा, सचिन सागर प्रो क्रिकेट का ये सबसे यादगार विकेट। फंबल कर गया था यहाँ पे प्लेयर, इधर उधर फाइनली नजर रही बॉल पे और इसी कारण से कैरी कर पाए, और ये देखिए अंत में सफलता मिलती हुई और काफ़ी रिलैक्स फील करते हुए। जिस तरह की फील्डिंग है आई थिंक सामने खेलना ही परफेक्ट होगा, परफेक्ट पेस भी है। ओह क्या गति से मारा है शॉट, सीधा बॉलर के सर के ऊपर से, और चार रन, दो फील्डर खड़े हैं लेकिन इतना बढ़िया गैप, और शायद रिप्ले भी आई थिंक ऊपर से दिखाएंगे, नहीं ये शॉट का रिप्ले थोड़ा सा अलग आया है। बट यार इतना तेज मारोगे, इतना सीधा मारोगे तो गैप में मारोगे तो कोई नहीं रोक पाएगा, ये तो पक्का है। और सामने ले गए कर्सर को, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये देखना शॉट क्या लगता है। सेम वही, लेकिन हाँ थोड़ी सी स्टाइल अलग है, फ्रंट फुट का यूज़ करके खेला हुआ है शॉट, चार रन फिर से मिलता हुआ। वाह अगर ये यॉर्कर लेंथ पे परफेक्ट, वो लेंथ के हिसाब से अलग एनिमेशन, सही है। बैठ जाना शॉट, बैठ जाना शॉट, कैच का कॉल लेकिन, एंड दिस इज द एंड ऑफ अक्षर पटेल। इनिंग बढ़िया खेले, दो तीन गेंदों में जो भी इम्पैक्ट डाला है काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगा ये। और सेलिब्रेशन देखो भाई, हवा में बॉक्सिंग करते हुए, अच्छा इसमें कुछ कुछ विराट, एक दो तीन विराट कोहली हैं, चेहर का चेहरा दिखा नहीं, हाँ तीन विराट कोहली हैं, एक तो फॉरेनर है ब्लैक, तो वो तो विराट कोहली बना नहीं पाए, जो आउट हो रहा है वो भी विराट कोहली है। शार्दुल ठाकुर यहाँ पे 100 कैंसिल करवा देंगे, स्ट्रोक लिया इसीलिए, स्ट्राइक देते हुए मिच मार्श को, दो रन बाकी हैं सिर्फ, सामने सबसे बेस्ट फील्डिंग सेटअप। उम्मीद कर रहा हूँ कि शॉट बदले ना, ओह क्या शॉट बैकफुट पे खेला है, थोड़ा बहुत विराट की याद आती है भाई, बैकफुट पे स्ट्रेट जो भी मारता है सारे शॉट विराट की याद आते हैं। बट ये सब अभी रखो साइड में, इंजॉय करो सेंचुरी, हमारे आईपीएल 2024 की ये फर्स्ट एवर सेंचुरी है, और मैं पहली बार सेंचुरी सेलिब्रेशन देख रहा हूँ, और ये आई थिंक यशस्वी जायसवाल का सेलिब्रेशन था 67 बॉल में शतक लगाते हुए। मिच मार्श, टाइम फॉर सम एक्सपेरिमेंट, थर्ड मैन खेलने जा रहे हैं, कट कर दिया है, कैच का कॉल भी देते हुए, एफर्ट भी लगाते हुए, भाई कुछ कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं यार इसमें, एनिमेशन जो एफर्ट का था काफ़ी अच्छा था, स्लिप में एफर्ट डालता हुआ फील्डर का ये एनिमेशन काफ़ी सही लगा है, बट बाउंड्री तो नहीं रोक पाए। ओवर में भाई मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया है, फाइनल लग मार सकते हो, वही खेलने की इच्छा है। अरे ये अर्ली हो गया शॉट, चलो चलो गैप में है, एक और चार देता हुआ, स्टंप्स ओपन, सबसे रिस्की शॉट आज के दिन का, भाई आउट, और फिर फंबल। लेकिन यार अब तो ये कैरी होता है, ये तो अब मुझे भी पता है भाई, तो अफसोस करते हुए हम लोग, पर ठीक है यार, अंत में तीन गेंदों के लिए रुकने का कोई मतलब था नहीं। मैं अपने आप से भाई काफ़ी सेटिस्फाइंग, क्योंकि मैंने जिस तरह से 101 रन पे ऑल आउट हुआ था, मैं उसके कंपैरिजन में आज की पारी तो एकदम वर्ल्ड क्लास है, शतक पूरा करके जा रहे हैं, 70 गेंदों में 110, और इस तरह का एनिमेशन आता है जब आप सेंचुरी करके आउट होते हो। तो फिर यॉर्कर स्ट्रेट शॉट, लेकिन कैच ना कराना बस, ठीक है, सिंगल से मैं भी खुश, और इनिंग की समाप्ति 191/7 के। ये है शॉर्ट समरी, 192, आसान चेस तो नहीं होने वाला, बट मैंने कभी इस तरह के सिनेरियो में खेला नहीं है। कुलदीप यादव को नई गेंद दे दी है, और जॉनी बेस्टो जैसा प्लेयर खेलने वाला है 78 अग्रेशन के साथ, तो मज़ा आएगा बॉल करने में। मैं एक बात बता दूं, जो मैंने 12 ओवर में किया था पिछले मैच में, वो सामने वाली टीम ने 8 ओवर में कर लिया था, तो इतना तो अग्रेशन है सामने वाली टीम में कि वो रिस्क लेती है। पहली गेंद हमारा डॉट रहा था, यहाँ पे फ्लिक, यहाँ पे बराबरी से शुरुआत, डॉट, एंड इस नोटियाँ आए गेंदबाजी में। एंड मैं आपको स्कोर बता दूँ तो 134/3 है, 62 रन्स करने हैं, और कहीं ना कहीं मुझे तो भाई फीलिंग आ रही कि दिस इज़ द परफेक्ट टोटल टू बॉल, परफेक्ट टोटल टू डिफेंड। राजपक्षा 27 में 43, पहला हिट शॉट फाइन लेग पर से, हल्का सा मुझे ऐसी वाइब्स देखे गया कि शायद एज लगी है, और सूर्यकुमार यादव की याद आ गई फाइन लेग शॉट देख के। और पहले शॉट के साथ एक और चीज़ क्लियर हो गई कि भैया मेरे लिए आसान नहीं होने वाला, इवन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मैं पीछे हूँ इस वक्त मैच में। डिफेंड वन लगाते हुए फील्डिंग, वो मैं पिछली गेंद पे ऐसे भी सिक्स मारा था, ये भी सिक्स है,
दो बैक टू बैक सिक्सेस, मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं शॉट का गया। 29 में 55 भाई, ये ब्लैक बैट से खेल रहे हैं, अभी ध्यान गया। अरे पंजाब के दोनों ही प्लेयर्स ब्लैक बैट से खेल रहे हैं, ये कुछ नया लाया भाई इन लोगों ने। आरसीआर क्या बताऊं मैं अभी यार, ओ बॉडी पे हिट, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अच्छा खेल रहा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, बुरा खेल रहा होता तो सब कुछ फर्क पड़ता, नहीं लगती तो भी गिर जाता। ठीक है, इन स्विंगर लेग स्टंप पे, अभी लेग स्टंप को ऑफ स्टंप मत मार देना। 5 के 5 फील्डर ऐसे हैं जिनको आप ऑफ स्टंप वाले जोन पे खेला जा सकता है गैप में खेलते हुए, और इतने यूनिक शॉट की भाई मेरे पास कोई जवाब नहीं है इनका। अटैक में कोई कमी नहीं, 72 रेटिंग, नंबर 2 गेंदबाज हैं हमारे टीम के ये ऑन द पेपर शार्दुल ठाकुर। अभी भी 11 का रन रेट है, अभी भी यहाँ पे दिल्ली है गेम में, बट हाँ दो दो चौके पड़ेंगे तो फिर बर्बाद है वो। पार्टनरशिप 29 गेंदों में 50, एनिमेशंस काफ़ी स्मूथ। इस गेम का सबसे बड़ा दिक्कत जो है कैरेक्टर का चेहरा है। अब यॉर्गरलैंड राजपक्षा 32 में 60, ये बहुत मार रहा है शॉट, रुक जा पर यार नहीं मारेगा। एल बी अपील वपील ही नहीं कर रहे। अब राजपक्षा का सबसे बड़ा डर है भाई वो रिवर्स का मारे, अरे तेरी कैच, ये बन गया विकेट। बहुत देर से एक ही जैसे शॉट खेल रहा था और मैं भी उसको खिलवा रहा था क्योंकि वो गैप की फिराक में था, हर बार गैप मिलेगा नहीं आपको। अब फाइनली यहाँ पर गेंदबाज स्ट्राइक करते हुए और एक बहुत बड़ी विकेट, क्योंकि पिछली ओवर में इन्होंने ही पलटा था ओवर। क्या AI चौक कर जाता है जब दबाव आता है उसके ऊपर, क्योंकि हमने AI को डोमिनेट करते हुए देखा था जब मैच आसान था, लेकिन यहाँ पे जब रन रेट बढ़ चुका है 18 में 40 रन, 3 ओवर में 40 रन, वो डाउन होता हुआ नजर आ रहा है मेरे को। ये ओवर पूरी तरह से डोमिनेट किया दिल्ली के गेंदबाजों ने, बहुत इंपॉर्टेंट ओवर क्योंकि लास्ट ओवर है एनरिच का। और ये थर्ड मैन पर से गैप, ये ऑड इवन चल रहा है क्या, दिल्ली वाले हैं क्या? अरे हाँ, पर दिल्ली वाले तो हम हैं, ऑड इवन वो कहाँ, पंजाब वाले कहाँ चला रहे हैं, बाउंड्री नहीं जान दी है, गेंद रुक गई है डबल्स पे। पेस कितना अच्छा कितना बुरा समय बताएगा, और शॉट्स तो मारने पड़ेंगे यार। मतलब जनरली आप सिंगल डबल्स को नहीं ऐड करते हाईलाइट्स में, बट करना पड़ेगा इस तरह के शॉट्स पे, यूनिक दबा रहे हैं पूरी तरह से, और गैप मिला नहीं तो चार जाता। मॉडर्न क्रिकेट में एक रूल है, पहले के गेम में बाउंसर पे डॉट मिलती थी, अब वाइड यॉर्कर्स पे डॉट मिलती है, और जी हाँ मिली है सरप्राइजिंगली यहाँ पर, और हम बचा के रखूँगा ये पावर। स्विंग बाहर का, 3 गेंदों में 4, जितेश शर्मा, और अपील का कोई नहीं चांस, बच गया एज। आखिरी 12 गेंदों का गेम, और जहाँ पे AI को अपनी गेम अप करनी चाहिए थी वो डाउन करता हुआ, और इस बार विकेट। जो चीज़ें चल रही थी पंजाब के फेवर में वो रिवर्स होती हुई, अभिवादन झेलते हुए यहाँ पे फील्डर, एक और शानदार लाइन लाइन पे गेंदबाजी, शॉट उतना बेहतर नहीं, और रिजल्ट ये आया है जितेश शर्मा 6 गेंदों में से 5 बना के आउट हो रहा है। प्रीत ब्रार, इनसे क्या उम्मीद रखूँ मुझे नहीं पता, बट जब उम्मीद नहीं रखी थी मैक्सिमम हिट कर दिया है 6 रन। थोड़ा थोड़ा RC20 की फील आती हुई कि लास्ट के अंत के मूवमेंट में वो 18 के ऊपर रन रेट जाते ही पीटना चालू करेगा। ने पेस रखा था बैक ऑफ द लाइन, लेकिन इस बार स्लोअर रखते हुए स्ट्रेट डॉट, बहुत अच्छे कमबैक। थर्ड मैन पूरा खाली है, लेकिन क्या ये इतनी लेग स्टंप की गेंद को थर्ड मैन ही खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बट डॉट कन्वर्ट हो गई है, इनसाइड एज लग के पैरों पे लग गई गेंद पे वापसी, स्विंग करा रहे हैं बाहर की तरफ, और थर्ड मैन जो कि अभी तक एक वीक पॉइंट साबित हो रहा था मैक्सिमम सीधा जालियों पे जाके लगता हुआ। बहुत ही मजेदार गेंद, क्योंकि ये गेंद कटर है और अंदर आ रहा है, अरे थर्ड मैन की ऐसी की तैसी, एक और सिक्स, 18 रन इस ओवर से। और एक बहुत ही यंग प्रतिभा इंडिया की, चेतन सकरिया यहाँ पर आए हैं, सी सकरिया, चेतन नहीं है, इनका नाम चेतक भी नहीं है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सी, क्योंकि ऑफिशियली कोई भी प्लेयर इस गेम के साथ जुड़ा नहीं है। इवन सचिन तेंदुलकर का गेम है उसमें सचिन नहीं लग रहे, तो फिर बाकी की तो बात ही अलग है। पहली गेंद, टारगेट है 17 रन डिफेंड करने को, लेग स्टंप गेंद, क्या अब इसको भी थर्ड मैन मारेगा क्या, इस बार फ्लिक किया है ठीक है, और ग्राउंड शॉट की ही नीयत थी तो जो कि एक्चुअली वो माइनस पॉइंट है। 5 में 16 रन, और अब देखना होगा क्या ये गेम RC20 को कॉपी करता है, अगर ऐसे तो लॉपटेड मारना ही है, बट पिछली गेंद पे क्यों नहीं मारा। अब रन रेट 18 का हो चुका है, मतलब हर गेंद पे 3 या 3 से ज़्यादा रन करने हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए खेला है सामने की तरफ, गया ये थोड़ा पॉइंट पर से है, बैट कर रूम लेकर और सीधा फिर जालियां तोड़ के अंदर ऑडियंस के बीच में 6 रनों के लिए। ये गेम भैया पूरा RC20। एक चीज नोटिस की है मैंने, इनको गुड लेंथ गेंद थोड़ा बैप अप, गुड लेंथ नहीं दूंगा आगे दूंगा तो थर्ड मैन मारता है, और थर्ड मैन भी 6 मार रहा है, सिलक ट्राई कर रहे हैं, स्लॉट गेंद दी है, गुड लेंथ पे पड़ चुकी है, यॉर्कर पे पड़ चुकी है, बीच की जगह खाली थी, और सिंगल। अब क्यों सिंगल खेला पता है, क्योंकि फिर रन रेट 18 के
नीचे हो चुका था, सब बीट करा लिया तो भाई बहुत बड़ी सफलता। मैंने बीट होते हुए देखा इस लाइन पे इनको, बड़ी शॉट भी मारते हुए देखा है फ्लैट खेलते हुए, लेकिन बाउंड्री ही मिलेगी सिर्फ। पिछली गेंद पे सिंगल था, यहाँ पे चार, पूरी ताकत से यहाँ पर स्विंग कराते हुए, 5 रन चाहिए 2 गेंदों में, और स्विंग काफी बड़ा है, गैप में हिट और ये जाएगा 4। 2 सेम गेंदे, रिजल्ट एक ही जैसा, और वो पंजाब के फेवर में, जीत से बस एक शॉट दूर यहाँ पे। और अब इस गेंद को अगर मैं बीट करा देता हूँ तो ये फर्स्ट सुपर ओवर हो सकता है आईपीएल 2024 का, होगा या नहीं होगा लेट्स फाइंड इट आउट। फील्डिंग को एक बार नज़र मारी है, थोड़ा सा ऊंचा गेंद रखना चाहता हूँ, एक बार चेंज करते हैं फील्डिंग, डिफेंड 2 दिखाओ, फाइन लेग आ गया ना फिल्डर, बढ़िया। अब ये फाइन लेग ही मारे, ये कोशिश करना लेग वाइड वाइड ना जाए, देख लेना भैया नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। लेग स्टंप रखते हुए गेंद अंदर ला रहे हैं, लेग स्टंप से और अंदर जाएगी और ये फ्लिक, अरे लेकिन एक और दिक्कत है ना, इनको तो एक ही चाहिए था जीतने के लिए, तो ये क्यों लॉफ्ट मारेंगे। बट भाई यार ये बड़े शॉट मारते हैं, उस लॉजिक से मैंने डिसाइड किया था पंजाब 1/5 विकेट्स, और हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से पंजाब जीतेगा रियल वाला मैच वर्सेस डीसी। प्लेयर ऑफ द मैच बी राजपक्षा, 60-70 प्लस की पारी थी इनकी। तो जेट भाई प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को ताकि मुझे भी पता लगे कि यस हमारे चैनल में लोग देखना चाहते हैं ये वीडियो। लाइव स्ट्रीम का कोई प्लान है नहीं, सैटरडे और संडे, मंडे से लाइव स्ट्रीम वापस आएगी क्योंकि भाई दो वीडियोज़ आ रही हैं, प्लस NPL का मॉर्निंग में वीडियो आया है, मिस कर दिया हो तो देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, enjoy the IPL, enjoy the weekend, take care and have a good day.